कैन आई टेक सेल्फी विद यू। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ साबरमती रिवर फ्रंट के पास और यहाँ से हम अटल ब्रिज जाएंगे। तो आपको दिखा दूँ दोस्तों, अहमदाबाद में अटल ब्रिज एक बहुत ही फेमस जगह है। ये सामने है अटल ब्रिज, इसके अंदर हम जाएंगे और रात को यहाँ का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसके यहाँ पास में एक फ्लावर पार्क है, रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। इसमें बहुत सारी तरह तरह की पौधे और फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, चलिए टिकट काउंटर पे टिकट ले लेते हैं। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, मल्टी स्टोरी पार्किंग एरिया है, फूड कोर्ट है यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिलता है। तो आगे चल के टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट वगैरह ले लेंगे। यहाँ फ्लावर गार्डन की अलग से टिकट लगेगी और अटल ब्रिज की अलग। तो चलिए देखते हैं कितना रेट है। और तीन से बारह वर्ष के बच्चों का है ₹15 और एडल्ट्स का है ₹30। तो अटल ब्रिज विजिट करने का जो टाइम है वो 30 मिनट है, टिकट निकलने के बाद 30 मिनट तक आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट 22 किलोमीटर लंबा बना हुआ है। ये साबरमती नदी के किनारे दोनों तरफ आकर्षक यहां पर पैदल चलने के लिए, वॉकिंग के लिए या फिर साइकिलिंग भी आप यहां पर कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर अच्छा सा यहां पर सौंदर्यीकरण करके यहां रिवर फ्रंट बनाया गया है। अटल ब्रिज साबरमती नदी पर बना हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट दोस्तों 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट है जो कि साबरमती के किनारे बनाया गया है, साबरमती नदी का सौंदर्यीकरण करने के लिए बनाया गया है। और इस साबरमती रिवर फ्रंट में आता है ये अटल ब्रिज जो कि यहाँ साबरमती नदी के ऊपर ये बना हुआ है। बहुत ही आकर्षक ये अटल ब्रिज है। अटल ब्रिज 980 फीट लंबा है। इसको बनाने का लागत आया है वो है ₹74 करोड़। 2018 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 2022 में कंप्लीट हुआ है। ये ब्रिज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको अटल ब्रिज कहा जाता है। इसका डिज़ाइन पतंग से लिया गया है और ये अटल ब्रिज रात को देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर तरह तरह के डिजाइंस, आकर्षक डिजाइंस बनाए गए हैं ब्रिज के ऊपर में। सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। और ये जो ब्रिज है दोस्तों, इस पर आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं। पैदल चलने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का वाहन यहाँ से अलाउड नहीं है। और ये देखिए, ये रात को देखने में काफी सुंदर दिखता है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक क्रूज है और ये है साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे बना हुआ। और ये है साबरमती नदी और इसका जो किनारे पर अच्छे अच्छे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। अरे सर, कैन आई टेक सेल्फी विद यू? और यहाँ पर हमें विदेशी पर्यटक मिल गए हैं। ये हैं
थाईलैंड से, और इनसे हमने सेल्फी ले लिया और इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है और शाम के समय अटल ब्रिज का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आपको अटल ब्रिज का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना मनमोहक, कितना शानदार, कितना सुंदर दिख रहा है अटल ब्रिज। रात में अटल ब्रिज बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक दिखता है दोस्तों। देख सकते हो रंग बिरंगी यहाँ पर लाइटिंग हुआ है और इसके लिए हमने लगभग 3 घंटे वेट किया है दोस्तों। यहाँ पर लाइट ऑन होने में लगभग हमें 3 घंटे का समय लगा, क्योंकि हम बहुत पहले आ चुके थे तो अंधेरा होने के लिए 3 घंटे का समय लगा, उसके बाद ये लाइट ऑन हुआ। यहाँ साबरमती रिवर पर रिवर क्रूज़ भी है, यहाँ पर आप रेस्टोरेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। क्रूज़ के अंदर में रेस्टोरेंट है और यहाँ से दोस्तों आप सुबह के टाइम या शाम को वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो और या साइकिलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बना हुआ है, साबरमती के किनारे दोनों तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए शाम के समय अटल ब्रिज का नज़ारा बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, कितना मनमोहक है। ये देखिए कितना रंग बिरंगा यहाँ पर अटल ब्रिज दिख रहा है। तो जब भी आप अहमदाबाद आते हैं तो अटल ब्रिज एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लगभग 3 बजे ही पहुँच गया था और ये लाइटिंग लगभग 7 बजे ऑन हुआ, तो लगभग मेरे को 3 से 3.5 घंटा यहाँ पर वेट करना पड़ा और उसके बाद कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है आप देख सकते हो। बहुत ही यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा है अटल ब्रिज का। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।